सभी को जय हिंद। मैं जीएल खटाना आपके अपने गुरु गिरधर सर चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, खिलखिला रहे होंगे, घर में अमन चैन होएगा। ईश्वर की ये कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं एक विशेष मार्मिक उद्देश्य के लिए बातचीत करूँगा और वो मेरा विशेष मार्मिक जो उद्देश्य है वो क्या है आपके सामने पेश है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, या चाहे ट्विटर हो या अन्य अदर प्लेटफॉर्म, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के आयुर्वेदिक नुस्खे, कोरोना से बचने के उपाय, टोटके काफ़ी सारे हम तक पहुँच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इतना कहूँगा कि कोई भी टोटका ऐसी महामारियों से हमको नहीं बचा सकता है, और यदि आपके वो टोटका लग रहा है और आप स्वस्थ हैं तो अच्छी बात है। खैर, मैं तो ये कहूँगा कि अमन चैन रहे, कैसे भी रहे लेकिन रहे। वैसे देखो, ये तथ्य गलत है, टोटके किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि टोटके करवाते हैं और वो जो टोटका है उससे के ठीक दो चार दिन बाद हमको रिलीफ मिलती है, तो हम सोचते हैं यार इस टोटके से ही हमारा इलाज हुआ है। ऐसा नहीं, ये टोटके अंधविश्वासी हैं, इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करें। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को अपने इस अनमोल शरीर पर प्रयोग करने से पहले उस आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी यदि आपको है ही नहीं और आपने उत्सुकता और हड़बड़ाहट के साथ में उस टोटके को उस नुस्खे को अपने शरीर पर प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। इतने घातक साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कि कई बार जान तक चली जाती है, या कई बार नेत्र ज्योति चली जाती है, कई बार हम कानों से बहरे हो जाते हैं, हमारा वाक यंत्र सवर पेटी खराब हो जाती है। बहुत सारे ऐसे अनेक प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर में हो जाते हैं। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताने वाला जो नुस्खा है वो ना तो हम तक पहुंच पाता है, उस साइड इफ़ेक्ट्स को हमको भोगना पड़ता है। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से एक ही निवेदन है कि किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को अपने शरीर पर प्रयोग करने से पहले उस आयुर्वेदिक नुस्खे की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, या उस नुस्खे को प्रयोग करने से पहले किसी वैद्य जी या चिकित्सक की सलाह लें और उस सलाह के बाद ही अपने शरीर पर उसको प्रयोग करें। मैं आयुर्वेद पद्धति का समर्थक हूँ क्योंकि आयुर्वेद की पद्धतियाँ ऐसी हैं, आयुर्वेद के नुस्खे ऐसे हैं जो किसी भी बीमारी को जड़ से नष्ट करते हैं, और उसके लिए बस चाहिए हमको संपूर्ण जानकारी। देखो, बहुत सारे आधी अधूरी जानकारी लोग शेयर करते हैं, ये गलत है क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कोई भी जो नुस्खा बता रहा है वो ये बताता ही नहीं है कि इस नुस्खे को किस शरीर पर प्रयोग करना चाहिए, कौन सी रोग से ग्रसित व्यक्ति को इस नुस्खे को अवॉइड करना चाहिए, यदि उस नुस्खे को अपने शरीर पर प्रयोग करे तो कौन सी चीज़ को खाने से वो परहेज करे, कौन सी चीज़ पिए, कौन सी चीज़ खाएं, इत्यादि जानकारी देते ही नहीं है। तो इत्यादि जानकारी देंगे नहीं तो हम बड़ी हड़बड़ाहट और उत्सुकता के साथ उसको प्रयोग करते हैं और उसके नुकसान को हम स्वयं भोगते हैं। एक नुस्खा सोशल मीडिया पर आया, कोई बता रहा था कि नाक में नींबू निचोड़ने से कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता है, नष्ट हो जाता है और हम कोरोना से बच जाते हैं। कई मेरे मिलने वाले दोस्त मित्र हैं जिन्होंने इस नुस्खे को बड़ी उत्सुकता और हड़बड़ाहट के साथ में अपने शरीर पर प्रयोग किया और उनके नक्सीर आना शुरू हो गई। मेरे पास में उन्होंने कॉल किया, यार हमने तो इस नुस्खे को प्रयोग कर लिया और अब हमारे ये गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा, भाई आपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य जी की सलाह ली थी? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था और हमने इसको प्रयोग किया। मैंने उनको कहा कि आप चिकित्सक से सलाह लें और चिकित्सक की सलाह लेने के बाद ही किसी नुस्खे को प्रयोग करें। तब ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों न मैं मेरे मिलने वाले सभी सुचिंतक और प्यारे विद्यार्थियों तक इस बात को पहुंचाऊं। तो मेरा कहने का जो उद्देश्य है वो आप समझ गए होंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होना ज़रूरी है। और यदि आप हड़बड़ाहट और उत्सुकता और बिना अधूरी जानकारी के ही अपने शरीर पर प्रयोग करेंगे तो नुकसान क्या होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है।
बहुत सारे देखो आयुर्वेद के तो ये सिस्टम है कि आयुर्वेद के अंदर यदि हम संपूर्ण जानकारी नहीं लेते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, मैंने देखा है। मैं क्लास में बच्चों को भी ये कहानी कई बार बता चुका और आपसे भी आज शेयर कर रहा हूँ। कोई मेरा मिलने वाला था तो उसकी बच्ची थी एक और सुंदर सुशील कन्या थी, उसकी हाइट थोड़ी कम थी और वो चाहती थी कि मेरी भी और लड़कियों की तरह लंबाई ज़्यादा हो, और सभी चाहते हैं कि अपनी लंबाई हो। भाई मेरी तो ना तो ज़्यादा है ना कम है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, आपकी भी ऐसी होगी, जितना भगवान ने दिया उतना बेस्ट है। तो उस बालिका ने लंबाई बढ़ाने के लिए, कोई वैद्य जी था और उस वैद्य जी के पास में उसने दवाई ली, जबकि उसके पापा जी पहले उसको मना कर चुके थे, समझदार थे उसके पापा जी, मेरे मिलने वाले उठ बैठ वाले थे। तो क्या हुआ, वो बेटी मानी नहीं, और बेटी नहीं माने तो बाप तो खैर क्या कहे, लेकिन बेटी रुदन करे तो पिता का तो हृदय थोड़ा आता ही है भावुकता के रूप में। तो उसने कहा बेटी मैं पैसे दे दूंगा और आप दिखा कराओ। तो क्या हुआ, वो किसी वैद्य जी के पास में गई, उन्होंने वैद्य जी को बताया कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या किया उसको दवाएं दी। अचानक से उस लड़की के 6 या 7 दिन हुए, करीब सप्ताह भर हुआ था, और उसकी नेत्र ज्योति चली गई। आज भी वो नेत्र ज्योतिहीन है और सुंदर सुशील कन्या, अब बहुत दुख हुआ, माँ बाप को भी हुआ और उस बेटी को भी हुआ। खूब सारे इलाज करवाए, खूब SMS में भी दिखाया गया, दिल्ली एम्स में भी लेके गए, लेकिन उसकी नेत्र ज्योति वापस नहीं आई। जो वो वैद्य जी था उसके ऊपर केस भी किया गया, लेकिन अब केस में तो क्या है कि पेशियाँ चलती रहेंगी, लेकिन उसकी नेत्र ज्योति इस संसार से विदा हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को बिना संपूर्ण जानकारी के अपने शरीर पर प्रयोग नहीं करें। अच्छा, कई वैद्य जी, अच्छा वो वैद्य जी था वो परिपूर्ण वैद्य नहीं था, वो झोला छाप वैद्य था, उसने कोर्स उसको दे दिया और कोर्स देने के बाद पल्ला झाड़ लिया। तो यदि कोई वैद्य जी परिपूर्ण और ज्ञान वाला है तो वो आपको अच्छी सलाह देगा, गलत सलाह नहीं देगा। तो अपने शरीर पर ऐसे किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को आप प्रयोग करने से पहले, जो दक्ष हो अपने आप में आयुर्वेद के ज्ञान में, तो उसी से की सलाह के बाद ही उसको अपने शरीर पर प्रयोग करें। और बाकी आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। अब देखो आयुर्वेदिक एक औषधि और आ गई जिसका नाम है 2DG, जिसके ऊपर मैं एक बोर्ड पर वीडियो बनाऊंगा और वो आप तक 2-5 दिन में पहुंचाऊंगा उसकी संपूर्ण जानकारी। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जो मैंने जानकारी दी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।